हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। ऑप्टिमम पीएच रेफर्स टू ऑप्टिमम टेम्परेचर। ये क्या होते हैं? तो ऑप्टिमम पीएच और टेम्परेचर वो पीएच जिस पर एंजाइम एक्टिविटी हाईएस्ट होती है, एंजाइम हाईली एक्टिव होता है। ठीक है, हाईली कैसा? एंजाइम एक्टिव। वो टेम्परेचर जिस पर एंजाइम हाईली एक्टिव है वो क्या होता है? उसका ऑप्टिमम टेम्परेचर। ठीक है, अब आप देखते हैं कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जो हाईली एक्टिव होते हैं एसिडिक पीएच पर। ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं जो बेसिक पीएच पर एक्टिव होते हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो नियरली न्यूट्रल पीएच पर है, बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं। ठीक है, तो वो उस पर्टिकुलर एंजाइम का क्या है? ऑप्टिमम पीएच है। ओके, यहाँ देखिए, अगर आप उससे कम पीएच करेंगे तो एक्टिविटी स्लो हो जाएगी, कम हो जाएगी, हाई करेंगे तो भी एक्टिविटी कम हो जाएगी। टेम्परेचर की बात करें तो हाई टेम्परेचर करने पर एंजाइम क्या होगा? टेम्परेचर हाई करने पर एंजाइम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ओके, बट टेम्परेचर लो करने पर क्या होगा? डिस्ट्रॉय नहीं होगा, उसकी एक्टिविटी अभी क्या हो गई है? कम हो गई है। बट जैसे ही ऑप्टिमम टेम्परेचर आएगा तो वापस से एक्टिव हो जाएगा। यहाँ देखिए, पीएच एट विच एंजाइम एक्टिविटी इज लोएस्ट उसको ऑप्टिमम पीएच कहेंगे? नहीं। पीएच एट विच एंजाइम एक्टिविटी इज हाईएस्ट उसको कहेंगे? बिल्कुल। पीएच एट विच एंजाइम एक्टिविटी स्टार्टेड इमीडिएटली, ये भी इनकरेक्ट हो जाता है। पीएच एट विच एंजाइम एक्टिविटी एंडेड कम्प्लीटली, ये भी इनकरेक्ट हो जाता है। वो पीएच जिस पर एक्टिविटी हाईएस्ट होती है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ग्राफ से आपको दिखाएं, यहाँ पर एंजाइम की एक्टिविटी है और यहाँ पीएच है। ठीक है, सोचिए कि ये जो है ये ऑप्टिमम टेम्परेचर है उस एंजाइम का, तो आप क्या देखेंगे? धीरे 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 एक्टिविटी इंक्रीज होता दिखेगा और इस पर हाईएस्ट, फिर उसके बाद अगर इंक्रीज भी करोगे पीएच में तो डेक्लाइन मिलेगा। ओके, तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन जो बन रहा है वो है ऑप्शन बी। इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन यूएनसीईआरटी क्लास 11 पेज नंबर 157 पर। थैंक यू।